गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई नितीश शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ RIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने अपने रीडिंग स्किल्स को कंप्लीट किया था, उसके कुछ सिचुएशंस के बारे में जाना था, उसके कुछ टाइप्स के बारे में हमने समझा था कि रीडिंग स्किल के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा किसके अंतर्गत चल रहा है अभी, लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत अभी सारी चीज़ें रनिंग में हैं, ठीक है। अब आज के इस लेक्चर में जो हमें समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मैंने आपको कंडीशन बताई थी, एक टाइप बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, हालांकि इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट डिफाइन आपको किया था कि इंटेंसिव मीन्स किसी इंटेंस यानी किसी उद्देश्यात्मक पाठन, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य के लिए किसी चीज़ को पढ़ना, उसको कहते हैं हम आप कि इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो विदाउट एनी फोकस, विदाउट एनी डिटेल्ड स्टडी जो पढ़ी जाती है ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, ओनली फॉर प्लेजर, ठीक है, अपनी खुशी के लिए, अपने रोमांस के लिए, रोमांच के लिए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, राइट। तो ये इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, थोड़ा सा उसको समझने का डिटेल में प्रयास करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, किस के जरिए, ठीक है, किन चीज़ों के सहायता से हम इसको क्या कहते हैं प्रॉपरली समझ सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो इट मींस डिटेल्ड स्टडी, इट मीन्स डिटेल्ड स्टडी, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग मैंने बोला है कि ये प्रॉपरली डिटेल्ड स्टडी होती है, एक इंटेंस के साथ की जाती है, एक प्रॉपर उद्देश्य के साथ की जाती है, ठीक है, क्योंकि सपोज आपको अगर किसी सब्जेक्ट का कोई एग्जाम देना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, बिकॉज आपको फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि आपका उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पुटअप होने हैं, आपका टेस्ट होना है, आपका एग्जाम होना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग से आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। सेकंड, इट फोकस ऑन कंटेंट, इससे हम उसका जो मेन कंटेंट है हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता है, हम उसी को इंटेंस करके, उसी को एक उद्देश्य बना करके हम उसमें अपनी स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ इतनी समझ में आ गई होगी। थर्ड, इट इंक्रीजेस एक्टिव वोकैबुलरी, इट इंक्रीजेस एक्टिव वोकैबुलरी। हमारी वोकैबुलरी मींस हमारी जो शब्दकोश है, ठीक है, इंक्रीज मींस बढ़ाता है, एक्टिव वोकैबुलरी मतलब बहुत सारे ऐसे जो आपके शब्द हैं, ठीक है, हमारा शब्दकोश बढ़ाता है, हमारे शब्दों को कहने का मतलब हमारे माइंड में नए नए वर्ड्स आते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, उनको अपने जनरल बिहेवियर में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में को इम्प्रूव करने के लिए उसको यूज़ कर पाते हैं अपने कम्युनिकेशन पार्ट में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव वोकैबुलरी, मींस इट इंक्रीजेस एक्टिव वोकैबुलरी, ठीक है, ये उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है।
और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही इंटेंस होकर के, यानी बहुत उद्देश्य, बहुत डिटेल्ड होकर के, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, ठीक है। रीडिंग के साथ साथ क्या होता है इसमें, हमारी आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है और हमारा जो शब्दकोश है वो क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी सहायता से हम आगे अपना कम्युनिकेशन स्किल क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके जस्ट अपोजिट एक्सटेंसिव रीडिंग की। एक्सटेंसिव रीडिंग इसकी जस्ट अपोजिट होती है। अभी तक आपने इंटेंसिव रीडिंग समझी। इंटेंसिव रीडिंग एक क्या है, मैंने बताया कि उद्देश्यात्मक चीज है, ठीक है, उद्देश्यात्मक पाठन है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी एक उद्देश्य से कर रहे हैं, वो क्या है, इंटेंसिव रीडिंग है, ठीक है। एक्सटेंसिव उसकी जस्ट अपोजिट है, मीन्स नॉन डिटेल स्टडी। ठीक है, नॉन डिटेल स्टडी होती है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जो रीडिंग पार्ट है इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये प्लेजर, ओनली फॉर प्लेजर। ये एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो हम किस लिए करते हैं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नोबेल पढ़ रहे हैं, नोबेल लेकर के आए हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, बिकॉज आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपका कोई एग्जाम नहीं होना उससे, ठीक है। आप एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं सिर्फ ओनली अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है, अपने टाइम पास के लिए कह सकते हैं, उसको आप पढ़ रहे हैं, राइट। सेकेंड जो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, इट इंक्रीजेस पैसिव वॉकेबल। ठीक है, एक्टिव वो पैसिव वॉकेबल भी, मीन्स एक्टिव वॉकेबल भी वो चीज़ जो मेन जो शब्द हैं वो आपके शब्दकोश में आने चाहिए, आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है, वो चीज़। पैसिव वॉकेबल भी मीन्स थोड़ा सा जो साइट के वर्ड्स हैं, मीन्स जो ग्रामेटिकली या बहुत सारी चीज़ें जो उसके साथ जुड़ी होती हैं, वो उस कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, वो हमारी इसमें कहलाती है, ये जो क्वालिटीज़ हैं कुछ वो हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ इसको। इंटेंसिव रीडिंग आपका, इट मींस डिटेल स्टडी, डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। इट फोकस ऑन कंटेंट, जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है जिसको आप रीड कर रहे हैं, इस पर फोकस करना होता है इसमें, ठीक है। इट इंक्रीजेस एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी मींस आपके शब्दकोश को बढ़ाता है, ठीक है, क्या, इंटेंसिव रीडिंग। एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, इट इज़ डन फॉर ओनली प्लेजर, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस हमें नहीं होना होता है, इसीलिए इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी। इसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाया जाता, ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में हम इसमें बात करते हैं, समझते हैं, रीड करते हैं, राइट। एंड इट इंक्रीजेस पैसिव वोकैबुलरी, जस्ट अपोजिट एक्टिव वोकैबुलरी, मीन्स पैसिव मीन्स जो उससे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे शब्द भी होते हैं मेन वर्ड्स के साथ, तो उन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, देन यू कैन एलैबोरेट विद दिस पॉइंट्स, राइट। सो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। So thanks a lot and have a good day.